लो आ गए हम दोस्तों, खेतान इंडक्शन जो कि इंफ्रारेड पर वर्क करता है, आज इसकी हम बताते हैं फंक्शन कैसे कार्य करते हैं। तो पावर बोर्ड से जोड़ने के बाद इसको किया ऑन, ऑन करने के बाद देखिएगा ये इसके फंक्शन का पूरा सिस्टम दिया दोस्तों। और ये फीडर टच है, मतलब ये सब यहाँ वर्क जो दिया ये टच पर कार्य करता, केवल इसमें एक ही स्विच दिया। तो सबसे पहले ये पावर, यहाँ ये पावर, इसको अपन ने टच किया तो ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ये फंक्शन है, ये फंक्शन को टच करेंगे 1200 वॉट बताएगा, और इसको अपन जब राइट साइड पर घुमाएं तो ये 1800 1600 1400, ये देखिए 1800 और ये 2000 से ज़्यादा ये नहीं होगा, और ये रेड होने लगा, ये कॉइल दिखने लगी, यहाँ से इंफ्रारेड रेस निकलने लगी इस जगह से, और यहीं से आपके कोई भी पॉट गर्म होते हैं और यहीं पर आपका खाना बनता है। तो ये पावर को मैंने ऑफ किया और मैं बताता हूँ कि पॉट कौन कौन से ये सपोर्ट करता है। तो आप तो जानते हैं सारे जो इंडक्शन होते हैं सभी पॉट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के पॉट को सपोर्ट नहीं करते। तो मैं आपको सबसे पहले एल्यूमिनियम के पॉट को सपोर्ट करके बताता हूँ। स्टील के पॉट को तो सारे इंडक्शन सपोर्ट करते हैं, एल्यूमिनियम के पॉट को ये सपोर्ट करता, मैं आपको भी बताता हूँ। मेरे पास एल्यूमिनियम का एक तसला है, चलिए देखते इसको सपोर्ट करता कि नहीं। तो ये मैंने एक ग्लास इसमें पानी लिया और इसको इस पर रख रहा हूँ, और रखने के बाद ये मैंने पावर को ऑन किया और ये फंक्शन पे गया 1200 वाट, और मैंने जैसे बताया ये सपोर्ट करता है, ये जो है 2000 पर अपन ने कर दिया, ये रेड होगा और थोड़ी देर बाद ये गर्म हो जाएगा। दोस्तों इस स्विच का उपयोग दो जगह होता है, जैसे मैंने बताया ये टाइमर, अब ये टाइमर को अगर बढ़ाना है तो इससे ही होगा, ये आपका देखो 40 50, ये 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड, ऐसा ये। जी हाँ दोस्तों, ये टाइमर को आप बढ़ा सकते हैं, ये 3 घंटे तक का रहता है, ये घंटे और मिनट में बताता है दोस्तों। ये 2 घंटे का हो गया है टाइमर, ये आप ध्यान रखना। और ये पावर, ये 2000 वाट पर चल रहा है, और देखते हैं अपन ये कितनी देर में गर्म हो जाएगा। तो ये सारे बर्तनों को सपोर्ट करता, वहीं इस पर आप रोटी भी सेक सकते हैं इसके ज़रिए। जी हाँ दोस्तों, रोटी भी बना सकते हैं, और जो जनरल इंडक्शन रहता है उसमें आप रोटी नहीं बना सकते हैं। तो इसके ज़रिए दोस्तों ये जो छन्नी है आप रोटी सेक सकते हैं इसमें रख के, और रोटी इसके ज़रिए बन सकती है। और बाकी के जो जनरल इंडक्शन आपने देखे उनमें रोटी नहीं बन सकती है, ये सभी पॉट्स को सपोर्ट करता तो मैं आपको बताता। लेकिन इस इंडक्शन और जो ये इंफ्रारेड इंडक्शन है और जो जनरल इंडक्शन है उनमें डिफरेंट क्या होता है, ये वर्क थोड़ा स्लो करता है जनरल इंडक्शन की अपेक्षा। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपको लेना है तो आप कोई भी इंडक्शन ले सकते हैं, यदि आपको वर्क जल्दी चाहिए तो आप बिना इंफ्रारेड इंडक्शन को लें, और यदि आपको वर्क थोड़े आप रिलैक्स है, काम आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ले सकते हैं, तो आपके लिए इंफ्रारेड इंडक्शन होगा। दोस्तों इस इंडक्शन की एक खामी और यह है जो बताऊंगा कि इसमें जो पैनी है, अभी रख के बताऊंगा, आप देखेंगे कि वो पैनी जो है आपको बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, नहीं तो वो डांस करता बर्तन। अभी मैं आपको डांस करा के दिखाऊंगा कि ये बर्तन जो है वो किस तरीके से डांस करते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये जो है आपका मैंने जो पानी रखा था वो गर्म होने लगा, उसमें से भाप निकलने लगी। तो इस तरीके से ये टाइम लेता है, यदि वो इंडक्शन होता अपना तो वो बहुत जल्दी गर्म कर देता, एक गिलास पानी को गर्म करने में यह लगभग 3 मिनट का समय लेता है। ये देखिए दोस्तों, ये गर्म हो गया है, भाप निकलने लगी है, जो कि आपको समझ में आ रही होगी, वीडियो में दिख रहा है भाप किस तरीके से निकल रही है। तो ये आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम के पॉट को भी है सपोर्ट करता है, वहीं इसमें रोटी भी आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब पानी गर्म हो चुका है, मैं पावर को कर रहा हूँ ऑफ, और ये बटन का मैंने उपयोग बताया, टाइमर और पावर दोनों को सेट करने के लिए दिया गया है, इस तरीके से ये वर्क करता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल हॉट हो चुका है पानी, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है, और ये हीट भी रिलीज़ करता है आसपास, इसमें हीट लगती है, यहाँ हीट महसूस होगी, जबकि जो जनरल इंडक्शन है उनमें आसपास हीट नहीं होती, ठंड के हिसाब से ये ठीक रहेगा, आप आगे इसमें ताप सकते हैं।
दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि इस पे अगर फ्लैट पॉट ना हो नीचे से तो ये डांस करने लगता है। आप देख सकते हैं गंजी जो है ये डांस करने लगी है और धीरे धीरे बहुत तेजी से डांस करने लगेगी। हो सकता है कि ये गिर भी जाए, तो इस तरीके से ये डांस करने लगती है। दोस्तों फ्लैट पॉट होना बहुत ज़रूरी है, जबकि जो साधारण इंडक्शन है उसमें फ्लैट पॉट ना भी हो तो भी वर्क करता है। ये देखिए बहुत तेज़ी से करने लगी, मुझे इंडक्शन बंद करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या ये पॉट जो मिट्टी का जिसको करला बोलते हैं ये सपोर्ट करता है क्या नहीं। वैसे ये भी सपोर्ट करेगा, ये रख दिया गया है और पावर को ऑन कर दिया और इस पर रोटी बना के देखते हैं फंक्शन किया। और ये गर्म होगा और गर्म होने के बाद इस पर डालेंगे रोटी और देखते हैं रोटी इस पर बनती है या नहीं। तो चलिए मिट्टी का जो पॉट है जिसको करला बोलते हैं इसको भी ये सपोर्ट करता है वैसे भी, तो चलिए पर ये रोटी बनाते हैं इस पर। तो दोस्तों अब इस पर डाल रहा है रोटी, वैसे गर्म होने में टाइम लिया है थोड़ा सा और ये रोटी डालिए बढ़िया और देखते हैं कितनी देर में तैयार हो जाती है। तो 2000 पर ये चल रहा है ये आप देखें और ये रोटी डाली है जो कि थोड़ा सा कल्ला गर्म होने में टाइम तो लिया है लेकिन इस पर रोटी पक जाएगी और अपन देखते हैं। बिल्कुल भी मैंने पॉज नहीं कर रहा हूँ यहाँ रोटी डालने के बाद, देखते हैं कितना टाइम लेगा। तो मिट्टी का बर्तन भी ये सपोर्ट करता है, आप देख सकते हैं रोटी में थोड़ा थोड़ा सा कुछ फूल सी रही है और ये रोटी सिक जाएगी, बबल सा है और ये देखिए बढ़िया बेहतरीन तरीके से सिकी है। अब दूसरी तरफ और ये इसको अपन फुला के भी देखेंगे इस जाली की सहायता से। कुछ जो इंफ्रारेड इंडक्शन उनमें ये जाली मुक्त आती है, तो दोस्तों इंफ्रारेड इंडक्शन में तो आप रोटी बना सकते हैं जैसा कि मैं बना के बता रहा हूँ, लेकिन और इंडक्शन में रोटी नहीं बनती है। तो ये देखिए बढ़िया रोटी बन रही है लेकिन टाइम ज़रूर लगता है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो इस इंडक्शन को आप यूज़ ना करें, जनरल इंडक्शन करें लेकिन उसमें आप रोटी नहीं सेक सकते हैं। तो अब इसको फुला के देखते हैं अपन जाली पर रखकर। ये करला का हैंडल टूटा है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है और ये जाली को मैंने इस पर रखा और जाली को रखने के बाद ये देखते हैं, ये देखिए रोटी कितनी बढ़िया फूली, एकदम बेहतरीन करले की रोटी बनी जिस पे रोटी फूली है। थोड़ी सी आग भी जल रही है टच होने से। तो ये रोटी देखिए कितनी बढ़िया सिक गई, आप रोटी आसानी से इसमें सेक सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था, बताया मैंने सारे पॉट इस पे सपोर्ट होते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।